हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्रेसिडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस। आई एम मृत्युंजय कुमार, आई एम योर मैथमेटिक्स फैकल्टी। आज हम लोग इस लेक्चर में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर जो हमने सीखा है बेसिक टर्म्स निकालने का तरीका, फॉर्मूला, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो लास्ट ईयर्स IIT में अन बड़े इंस्टीट्यूशन में पूछा गया है क्वेश्चन इंट्रेंस में, वो हम लोग सोल्व करेंगे। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 20, एग्जांपल नंबर 25 जो है AMU 1983 में पूछा गया था। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 26 है जो रुड़की 95/5, 63/73, पंजाब CET 1991/95 में पूछा गया। सोचिए ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क्स। तो ये देखेंगे हम लोग कैसे सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। जो हमने सीखा है अभी तक उसी को अप्रोच करेंगे। तो पहला है एग्जांपल नंबर 25, कहता है द नंबर्स √2 + 1, √2 - 1 विल बी इन। मीन्स ये तीन नंबर दे दिया है और आपको अब बताना है ऑप्शन से, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, आपको बताना है कि ये किस में है, ये AP में है, GP में है या HP में है। तो अगर हम लोग तो अभी HP पढ़े नहीं है, इस कारण HP पे मुझे ध्यान नहीं देना है, मुझे फोकस करना है AP और GP के ऊपर, ठीक है। मतलब ये तीन, अब तीन ऑप्शन कंसीडर कीजिए, AP, GP एंड नन ऑफ दिच, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो पहला चेक करते हैं क्या है, AP। ये मान के चलते हैं कि ये AP में है। तो सपोज कि अगर कोई तीन नंबर AP में होगा तो AP का प्रॉपर्टीज क्या था अरिथमेटिक का, कि मिडिल टर्म जो होगा वो क्या होता है, अरिथमेटिक मीन होता है किसका, ए और सी का। इट मीन्स B = A + C/2, ये तो होना ही चाहिए अरिथमेटिक में होगा, तो ये तो कंडीशन है और इसे फॉलो ही करना पड़ेगा अगर कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो। इट मीन्स B क्या है, यहाँ B है 1, तो 1 = A + C/2, यानी A + C करेंगे तो √2 + 1, √2 - 1, 1 कैंसिल हो जाएगा और √2 + √2 क्या हो जाएगा, 2√2/2 आ जाएगा, तो 2 कैंसिल, इधर 1 और इधर √2 बचा। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, इट मीन्स दिस कंडीशन शुड नॉट बी फॉलोड एंड दिस कंडीशन विल नॉट बी फॉलोड, सो दिस इज नॉट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये तो हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है नहीं। अब नेक्स्ट हम लोग ज्योमेट्रिक की ओर अप्रोच करेंगे, देखते हैं ये ज्योमेट्रिक में है या नहीं। तो कंसीडर कीजिए ये ज्योमेट्रिक में है, अगर कोई भी तीन नंबर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, इट मीन्स क्या है, रेशियो जो होगा यानी B/A = C/B, तो B × B क्या हो जाएगा, B² × A × C। इट मीन्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए क्या कंडीशन फॉलो करना होगा, B² = A × C। तो B²(1)² = √2 + 1 √2 - 1 C, तो A + B × A - B = A²-B², तो √2² = 2, A²(1), तो 2 - 1, 1, 1² = 1, तो here I got LHS equals to RHS, so we can say that this sequence is in geometric progression because it followed the rules of geometric progression. अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का रोल फॉलो करता है, इट मीन्स ये किस में, किस सीक्वेंस किस में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का रूल क्या था, B² = AC, कंप्लीट। तो ये एग्जांपल्स नंबर 25 था। तो हम इसे क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी ऑप्शन देखकर कह सकते हैं कि ये ज्योमेट्रिक में है, ठीक है। और जो भी मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, एक बार खुद अपने तरीके से बिना सॉल्यूशन देखे हुए खुद अप्रोच कीजिए, सोल्व कीजिए, और तुरंत नहीं, आप लेक्चर देखिए, क्वेश्चन समझिए, कुछ देर बाद रात में, नाइट में अकेले बैठकर, फिर एग्जांपल नंबर 26 देखिए है, इफ द पीथ क्यूथ एंड आर्थ टर्म ऑफ अ GP आर ABC रिस्पेक्टिवली, देन A²(Q - R)×B²(R - P)×C²(P - Q) = ये भी देखिए क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा, कहता है पीथ क्यूथ एंड आर्थ टर्म आपको दिया हुआ है, ABC है रिस्पेक्टिवली,
तो इसका मतलब इतना का मतलब क्या होगा, तो देखिए सोल्व कर लेते हैं। तो हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जब पढ़ रहे थे तो टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या था कि कोई भी टर्म अगर निकालना होगा जिस टर्म को, उस क्या करते थे, ए मीन्स फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो, और जो जिस टर्म का पोजीशन था उतना एक, उससे एक कम पावर हम रखते थे आर के ऊपर। अगर फिफ्थ होगा तो ए एक कम पावर होगा तो चार हो जाएगा, अगर एन था तो आर टू पावर एन माइनस वन, यही तो था। तो इसी तरीके से पिथ टर्म है, पिथ टर्म तो क्या हो जाएगा, ए और आर के पावर पी माइनस वन, पावर पी से एक कम। क्यूथ टर्म है तो ए आर क्यूथ पावर माइनस वन होगा, उसी तरीके से आर्थ टर्म होगा ए आर और आर माइनस वन, ठीक है। तो हम लोग ये ए और आर में नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ आर, ये आर और ये आर सेम दिख रहा है, इट मीन्स ये कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। तो हम लोग ए फर्स्ट टर्म एक जगह मान लेते हैं एक्स, कॉमन रेशियो आर की जगह हम लोग मानते हैं बाई, कोई डिफरेंस इसमें नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी कॉमन डिफरेंस मान लीजिए या फर्स्ट टर्म मान लीजिए। तो मान लीजिए फर्स्ट टर्म एक्स है, कॉमन रेशियो क्या है बाई, तो हमारा जो जी पी कैसा होगा, ए एक्स फिर एक्स वाई फिर एक्स वाई का स्क्वायर एक्स वाई का क्यूब सेम ए आर के फॉर्म में। तो हमारा देखिए ये जो है ए, यानी ए का दिया हुआ वैल्यू कितना, ए जो किसका वैल्यू है पिथ टर्म का है, तो पिथ टर्म मीन्स एक्स बाई का पावर पी माइनस वन होगा, उसका वैल्यू दिया हुआ ए। उसी तरीके से बी किसका है, एक्स बाई क्यू का है तो क्यू माइनस वन, सी किसका है आर का, तो सी इक्वल्स टू एक्स बाई इंटू आर माइनस वन। अब देखिए क्या किया है, अब है ए टू पावर क्यू माइनस आर, ये क्वेश्चन है आपका, तो ये क्वेश्चन सेम यहाँ लिखा हुआ है, बस इसमें क्या करना है वैल्यू पुट कर देना है। तो ए मीन्स एक्स बाई का पावर पी माइनस वन, तो एक्स बाई का पावर पी माइनस वन और कितना है क्यू माइनस आर, ए के पावर ही है तो इसका पावर क्यू माइनस आर हो गया। अब देखिए बी इक्वल्स टू, बी इक्वल्स टू यहाँ देखिए बाई का पावर पी माइनस वन है, ध्यान रखना है दोनों के एक्स बाई के पावर नहीं है, बाई का पावर पी माइनस वन है, तो ये जो पावर है बाई का है, लेकिन ये क्यू माइनस आर जो पावर होगा ये दोनों के ऊपर, एक्स और बाई दोनों के ऊपर होगा, ध्यान रखना है ये कन्फ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ सेकेंड क्या होगा, बी इक्वल्स टू एक्स बाई क्यू पावर क्यू माइनस वन, तो यहाँ देखिए एक्स बाई का पावर क्यू माइनस आर और पूरे का पावर कितना हो जाएगा आर माइनस पी, क्योंकि बी का पावर यहाँ आर माइनस पी है। उसी तरीके से सी, सी मीन्स एक्स बाई बाई का पावर आर माइनस वन पहले और उसके पूरे के पावर पी माइनस क्यू। अब यहाँ से क्या किए, आगे तोड़ कर हम लोग एक्स का पावर क्या लिख सकते हैं, क्यू माइनस आर लिख सकते हैं, यहाँ से क्यू माइनस आर निकाल सकते हैं, यहाँ से आर माइनस पी निकाल सकते हैं और यहाँ से पी माइनस क्यू निकाल सकते हैं। तो एक्स टू पावर एम इंटू एक्स टू पावर एन इक्वल्स टू एक्स टू पावर एम प्लस एन, यानी एक्स का जितना पावर होगा सबको ऐड कर देंगे, ये वाला पावर एंड एक्सपोनेंट का अप्लाइड करेंगे। तो यहाँ पे एक्स हम लोग अप्लाई किए तो ये सबका एक्स का जितना भी पावर होगा सब क्या हो जाएगा ऐड हो गया इनटू। अब बाई का पावर देखिए, बाई का पावर यहाँ क्या होगा पी माइनस वन और क्यू माइनस आर दोनों है, तो क्या होगा मल्टीप्लाइड, यहाँ देखिए मल्टीप्लाइड हुआ, यहाँ भी क्या है बाई का पावर क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी, तो ये मल्टीप्लाइड और ये मल्टीप्लाइड मल्टीप्लाइड। उसी तरीके से बाई का जितना पावर सबको ऐड कर देंगे, तो बाई का पावर सब यहाँ आकर क्या हुआ ऐड हो गया। इसे जब नेक्स्ट में आप अगर सोल्व करेंगे तो यहाँ देखिए कि ये सब टर्म देखिए तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आपको मिलेगा, तो दोनों कैंसिल होकर क्या हो जाएगा जीरो, तो एक्स का पावर कितना जीरो। उसी तरीके से इसमें भी आप अगर सोल्व करेंगे तो ये इतना पूरा आएगा, आप पाएंगे कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आएगा, तो इसमें भी बाई का पावर कितना हो जाएगा जीरो। तो x का पावर जीरो बाई का पावर जीरो यानी x बाई का पावर दोनों के ऊपर होल जीरो इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, किसी भी नंबर्स के ऊपर जीरो अगर है तो पावर जीरो है तो कितना होगा टोटल वैल्यू वन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वन, तो b नंबर आंसर होगा। अब एग्जांपल नंबर 27 देखिए 27 कहता है इफ द थर्ड टर्म ऑफ अ जी पी इज फोर, कौन सा टर्म, थर्ड टर्म दिया हुआ है फोर, देन द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फाइव टर्म इज, तो फर्स्ट फाइव टर्म्स का प्रोडक्ट निकालिए। मतलब क्या है, अगर हम इसे लिखें तो a इंटू आर ए आर स्क्वायर ये सब होगा, जी पी का तो यही है टर्म सिलेक्शन, तो ये हमने लिख दिया फाइव टर्म। तो फाइव टर्म जब ये प्रोडक्ट करेंगे तो
तो 8 to power 5 हो जाएगा, और r का पावर हो जाएगा 10, r का पावर हो जाएगा 10। अब देखिए कौन सा टर्म थर्ड टर्म दिया हुआ, यानी a इंटू आर टू पावर 2, थर्ड टर्म तो ये ए आर स्क्वायर इक्वल्स टू दिया हुआ है 4। तो ये जो प्रोडक्ट आपका पांच टर्म्स का प्रोडक्ट आया है उसको इस फॉर्म में तोड़िए पहले। तो ए आर स्क्वायर का पावर होल 5, होल का पावर कितना 5, यानी 4 का पावर 5 कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आंसर। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये भी, देखिए IIT 1982 में पूछा गया था, राजस्थान में भी पूछा गया था, PET में 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर 28 कहता है इफ एक्स 2x + 2 3x + 3 आर इन GP देन द फोर्थ टर्म। कह रहा है कि ये जो है ये पूरा किस में है, GP में है। GP मीन्स 2x + 2 / x, ये कॉमन रेशियो इक्वल्स टू होगा 3x + 3 / 2x + 2, क्योंकि कॉमन रेशियो ही तो सेम होता है। इट मीन्स 2x + 2 का होल स्क्वायर, b² = a into c, तो b² = a into c किए तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का दो वैल्यू आ गया, एक -1 और एक -4। अब देखिए अगर हम -1 पुट करते हैं टर्म्स में, यहाँ तो ये -1 हो जाएगा पहला टर्म, ये क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा 0। इस तरीके से इस GP का जो भी होगा पहला टर्म सिर्फ -1 होगा, बाकी सब 0 होगा। तो ये क्या है GP में, नहीं ये सीक्वेंस नहीं होगा। इट मीन्स x का -1 वैल्यू हम लोग को कंसीडर करना ही नहीं कहीं है, तो क्या कंसीडर करेंगे -4 कंसीडर करेंगे, कहीं भी अगर कंसीडर करना होगा तो। अब देखिए नाउ फर्स्ट टर्म a इक्वल्स टू x दिया है, तो सेकेंड टर्म क्या होगा, सेकेंड टर्म इज a इंटू r, तो a का वैल्यू x और r का वैल्यू 2x + 2 / x, दो टर्म्स का क्या कॉमन रेशियो निकाल देना, तो r का वैल्यू 2x + 2 / x, तो x x कैंसिल हो गया तो वो क्या बचा 2x + 2 बचा, तो 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो x + 1 हो गया ar, तो r इक्वल्स टू ये हो जाएगा। तो फोर्थ टर्म क्या होगा ar का पावर 3, a इंटू r टू द पावर 3 इक्वल्स टू फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म देखिए ar टू द पावर 3, a का वैल्यू कितना x, r का वैल्यू 2x + 2 / x का पावर 3, ये जब सॉल्व कीजिएगा तो ये आ गया। ये जब तो x का वैल्यू अब कितना पुट करना है -4 - 1 नहीं, क्योंकि कंसीडर ही नहीं करना, तो -4 जब पुट करेंगे तो आ जाएगा -13.5, तो ये हो जाएगा आपका आंसर फोर्थ टर्म। तो ये हमने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस सेलेक्ट किया है जो कि आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है समझने के लिए और ये फॉर्मूला अप्रोच करने के लिए। तो ये आप लोग अभी देखेंगे लेक्चर, फिर अपने मन से ही इसे सोल्व करने का प्रयास कीजिए। बाकी मैं बहुत सारा क्वेश्चन इस पर और दूंगा, और नेक्स्ट लेक्चर जो हम लोग पढ़ेंगे वो है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ GP के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।